नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए, ओपिनियन पोल्स आए और उसके बाद उन पर मुहर लगी, यानी बात कांग्रेस के हश्र की है और बीजेपी या मोदी लहर की। एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे चुनाव हो चुके हैं और अब रिजल्ट 19 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, अगर उन पर मुहर लगती है तो कांग्रेस का क्या हश्र होगा, यह समझा जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी मस्त और कांग्रेस पस्त वाली स्थितियां बन रही हैं? कांग्रेस कैसे करेगी खुद को रिकवर, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की हार पार्टी में गांधी परिवार के विरोधी स्वरों को और तेज करेगी। कांग्रेस के शीर्ष पर मौजूद गांधी नेहरू परिवार के किसी भी सदस्य में मोदी जैसा राजनीतिक जज्बा है नहीं, जिसके चलते ये परिवार ने मोदी को ठीक से चुनौती देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। कांग्रेस की अभी तक की राजनीति सिर्फ मोदी विरोध के आसपास घूम रही है। कांग्रेस राज में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे ही अपने चरम पर पहुंचे, वैसे ही कांग्रेस की राजनीति का सूर्य अस्त होता दिखाई देने लगा। आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का दावा किया था, जिसका मतलब था कि वे इस पार्टी को खत्म किए बिना दम नहीं लेंगे। रोगों से मुक्त करना है, परिवारवाद की बीमारी हो, जातिवाद की बीमारी हो, संप्रदायवाद की बीमारी हो, प्रादेशिकवाद की बीमारी हो, ऊंच नीच की बीमारी हो, संप्रदायवाद का जहर हो, गरीबी हो, बीमारी हो, बेरोजगारी हो, ये सारे बीमारियों से मुक्ति, इसी का मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है और मोदी की जोरदार जीत ने उसे लोकसभा में हाशिए पर ला दिया है। कांग्रेस के पास सदन की कुल संख्या की 10% सीटें भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली इस करारी हार के बाद कांग्रेस के पास राज्यों की सरकारें बचाने की कड़ी परीक्षा है। हालांकि कांग्रेस अब भी 9 राज्यों में सत्ता पर काबिज है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड। कांग्रेस की सत्ता वाले इन राज्यों में 5 राज्य उत्तर पूर्व के हैं। इसी महीने 15 अक्टूबर को हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं। इनका नतीजा 19 अक्टूबर को आने वाला है। तमाम एग्जिट पोल्स कांग्रेस का इन राज्यों से सफाया होने का अनुमान लगा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सत्ता से बेदखल होने वाली कांग्रेस अगर हरियाणा और महाराष्ट्र को गंवा देती है तो उसके अस्तित्व के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अभियान का हिस्सा है? सुदर्शन न्यूज के लिए शशांक चौधरी के साथ प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। दरअसल इस वक्त सवाल सबके जहन में यह है कि क्या अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए आगे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो एग्जिट पोल्स या जो ओपिनियन पोल्स उस वक्त आए थे, कांग्रेस ने उसे सिरे से नकार दिया था। कांग्रेस की तरफ से जो लोकसभा में खामियाजा भरना पड़ा है, और या यूं कहें कि यूपीए के शासनकाल के दौरान जो कांग्रेस की तरफ से गलतियां की गई हैं, क्या वही गलतियां हरियाणा और महाराष्ट्र के में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उन गलतियों का खामियाजा भरना पड़ेगा अगर यही परिस्थितियां 19 अक्टूबर को सामने आती हैं? जाहिर है जिस तरीके से कैंपेनिंग की बात कर ली जाए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा कैंपेनिंग अभियान चलाया गया जिसमें महाराष्ट्र के अंदर या हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर 37 से ज्यादा रैलियां की गई। वहीं इस कैंपेनिंग की बात कांग्रेस की तरफ से की जाए तो दिग्गज नेता या इस वक्त जो पार्टी के प्रमुख नेता जिसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगर बात कर ली जाए तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 10 को भी नहीं छूता है, यानी रैलियों का आंकड़ा 10 को भी नहीं छूता है दोनों ही राज्यों के अंदर। तो क्या इन तमाम ओपिनियन पोल्स के अंदर जो आंकड़े नजर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो सिर्फ उन रैलियों का कमाल है, मोदी ब्रांड का कमाल है या इस उस एडवर्टाइजिंग का? और साथ ही साथ सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अपनी कैंपेनिंग की वजह से इन ओपिनियन पोल्स में पीछे नजर आ रही है? और कांग्रेस पर जिस तरीके से यूपीए शासनकाल के दौरान शीला दीक्षित ने जब दिल्ली के चुनाव हुए थे उस वक्त ये आरोप लगा दिया था कि केंद्र का खामियाजा उन्हें भरना पड़ा है, तो क्या
जब हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के शासनकाल वाली सरकार रही है, सत्ता में कांग्रेस रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री क्या ऐसा आरोप केंद्र पर नहीं लगाएंगे? कांग्रेस के पास इन परिस्थितियों से बचने के लिए आगे क्या कारण है? और साथ ही साथ सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं? क्या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर ली जाए, बड़े चेहरों की बात कर ली जाए, क्या उनकी कमी है? क्या कैंपेनिंग के दौरान उन चेहरों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है? यह सवाल है। या सिर्फ मोदी ब्रांड जो इस वक्त सिचुएशन दिखी है महाराष्ट्र के अंदर या हरियाणा के अंदर, या फिर अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, जो मोदी वर्सेस ऑल की सिचुएशन सामने आई है, उसके तहत मोदी उन तमाम अपने विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं, सवाल यह है। तो साथ ही साथ क्या कांग्रेस पस्त हो रही है मोदी के सामने इन तमाम विधानसभा चुनाव में, और मोदी की कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा है? हालांकि उपचुनाव थोड़ा बीजेपी के नेगेटिव में जरूर गए हैं, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से मोदी की लहर देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी की इन दोनों की परिस्थितियों पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ एसके दत्ता साहब, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, दिनेश सिंह जी बीजेपी की तरफ से, और मनोहर मनोज, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, मोदी लहर है, लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां थी वो एक बार फिर से रिपीट होंगी, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल पर मुहर लगेगी, हां या ना? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, सुशासन की लहर है और विकास की लहर है। आपने देखा था, बहुत लोग इंकार कर रहे थे, कह रहे थे न हवा है न सुनामी है, और जिस तरह से चक्रवात आया कि पूरी जो आप दिखा रहे थे ना कि कांग्रेस पस्त हो गई, कहीं उसका नामो निशान नहीं है, और हालात ये आए इस चुनाव में, इस विधानसभाओं के चुनाव में, जो 10 साल तक जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्रित्व काल में सरकार चली थी, कांग्रेस ने जो सरकार 10 साल चलाई, उसके प्रधानमंत्री एक रैली में नहीं दिखे, तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात उन पार्टियों के लिए क्या होगी? तो निश्चित तौर पर जिस तरह के रुझान और जिस तरह के एग्जिट पोल आप सब दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की और सुशासन की और विकास की लहर देश में है। अच्छा साहब, लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए, उस वक्त तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इन तमाम एग्जिट पोल्स को नकार दिया गया था, लेकिन परिस्थितियां उससे आगे बढ़कर सामने आई। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को यूपीए शासनकाल की उन खामियाजा लोकसभा चुनाव में भरना पड़ा था, वही अब आगे कंटिन्यू हो सकता है? बेशक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे वही चीजें हैं कांग्रेस के साथ। यूपीए वन और यूपीए टू, खास करके यूपीए टू के कार्यकाल का जो कुशासन रहा है, वो कुशासन कहीं ना कहीं पे लोगों के दिमाग में अभी भी एक तरह से इम्प्रिंटेड है और वो चीज बाहर नहीं निकला है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के परिपक्ष में अगर देखा जाए, जहां पे चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, संपन्न हुआ है, वहां पे प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार का जो भी शासनकाल रहा है वो काफी साफ सुथरा नहीं रहा है, उस पर भी बहुत सारे आरोप लगा है, काफी सारे भ्रष्टाचार का आरोप है, बहुत सारे चीजें हैं, गवर्नेंस तो लगभग ना के बराबर था, और उसके साथ साथ आपके एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पे था, मैं समझता हूँ कि डबल डिजिट में था। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे दोनों प्रदेश के परिपक्ष में एनसीपी कांग्रेस की जो सरकार है उनकी शुरू से लेकर अंत तक खिंचातानी रही है, और अंत में दोनों के दोनों अलग हो गए और अलग होके फिर अलग अलग लड़े, इकट्ठा नहीं लड़ पाए। और हरियाणा के परिपक्ष में जिस तरह का अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस के अंदर रही है प्रदेश के कांग्रेस के बीच में, और खास करके आरोप प्रत्यारोप जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो लगाया है हरियाणा के परिपक्ष में हुड्डा साहब के ऊपर, और कैंपेनिंग के दौरान जो लगा कि हुड्डा साहब शायद अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व की किसी तरह का सहयोग नहीं मिला, जो आरोप किसी जमाने में शीला दीक्षित ने भी लगाई थी दिल्ली के परिपक्ष में, वही आरोप कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे के बाद वो सार्वजनिक होगा। और आज अगर कांग्रेस का अगर ये दुर्दशा है तो उसके लिए अगर जिम्मेदार अगर है तो कांग्रेस पार्टी खुद है, दूसरा कोई संगठन नहीं है और ना ही दूसरे किसी पार्टी जिम्मेदार है। अपनी गलती और खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भरना पड़ेगा। ठीक है मनोज, जिस तरीके से ये पूरा मामले, इस बार की परिस्थितियों पर अगर नजर डाली जाए यहां पर, तो
ये जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, ये किस चीज पर मुहर लगा रहे हैं? मोदी की जीत पर मुहर लगेगी या अगर इनको आगे बढ़ाया जाए, या कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकंपेंसी है, या उसकी खुद की गलतियों पर? देखिए, सबसे पहले जब तक परिणाम निकल न जाए तब तक इतना कल्पनाशीलता और इतनी कयासबाजी लगाने का औचित्य नहीं बनता है। ठीक। बाकी जहां तक पॉलिटिकल विश्लेषण का सवाल है, दो बड़े पॉलिटिकल फैक्शंस जो भारतीय डेमोक्रेसी में चल रहे हैं, उनकी जीत हार, उनका इन और आउट, अगर उस पर अगर विश्लेषण करें तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा में दो बार से, हरियाणा में यूपीए कांग्रेस की सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र में तीन बार से लगातार जो है यूपीए की सरकार चल रही थी, और महाराष्ट्र का इतिहास बताता है कि विपक्ष सिर्फ एक बार वहां सत्ता में आया है। जी। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी ड्यू था, हरियाणा में भी था, हरियाणा में तो पिछली बार भी बड़ा क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला था हुडा को, अगर वो बीजेपी और वो इनेलो अगर मिल गए होते तो सरकार उनकी होती। महाराष्ट्र में जो है एक तरह से कई सारे मामले उठे और तीन बार सरकार भी रही, यहां तक कि शीला दीक्षित जो कि एक बेटर गवर्नर कांग्रेस में मानी जाती थी, तीन टर्म के बाद उनकी भी हार हुई। अब आप जो केंद्र और राज्य सरकारों की बात कहते हैं, ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है, परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपीए भी केंद्र में दो टर्म रह चुका है। पहले एनडीए को मौका मिला था तो वो केवल एक टर्म ही रह पाए थे, दूसरी बार उनकी हार हो गई थी। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि नई सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फंडामेंटल्स पे, देश के सिस्टम को बदलने को लेकर के क्या काम कर रही है। अगर उन्होंने रिप्लेस किया है यूपीए को तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में जाना और आना लगा रहता है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का, जहां तक पहले का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लगातार चुनाव में जीतते आए, चूंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमियों का उन्होंने फायदा उठाया, पॉपुलिस्ट वाली पॉलिटिक्स की, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किए। मुझे बड़ा अच्छा लगा मोदी साहब, हालांकि वह भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कोक से ही आज इंडियन पॉलिटिक्स के चैंपियन बने हैं, जब वो गुजरात में जो है कॉम्युनल पोलराइज करके जो है वो एक पॉलिटिकल एक बहुत बड़े मास्टरमैन बने। आज वो आपके इस फुटेज में दिखा रहा था कि जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, जितने तरीके के मैल गवर्नेंस हैं या जितनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जितने नजीर भारतीय पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, उसके खिलाफ काम करने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस चीज को लेकर के भारत की पॉलिटिक्स में, भारत के गवर्नेंस में, भारत की इकोनॉमी में अगर अच्छे फैसले किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले चार महीनों में उनके आलोचकों के लिए भी बहुत ऐसे तत्व नहीं आए हैं। जब सरकार ये बनी थी तो एक महीने के अंदर महंगाई को लेकर इस सरकार की काफी बदनामी हुई, लेकिन सौभाग्य से, संयोग से आज जो है पेट्रोल के लगातार तीन बार जो है कीमतें गिर गईं, और दूसरा ये पिछले तीन साल में जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो सबसे लोएस्ट पर आई। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए डिसक्रेडिट गवर्नमेंट को देते हैं, अगर कोई अच्छा होता है तो हमें क्रेडिट भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो मैं अगर इसका पूरा मूलभूत जो यहाँ पर आपने बात कही है उसमें कहूँ, सिर्फ मोदी ब्रांड नहीं है दिनेश जी, दो चीजें हैं ना जिसकी बात अभी दत्ता जी ने भी कही, मनोज जी ने भी की। सिर्फ मनोज जी के एक बार से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, थोड़ा सा डिफर करता हूं। आपने कहा इंटर इनकमेसी थी, बहुत राज्यों में देखिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप एक बार, दो बार, तीन बार, उससे ज्यादा भी चुने जा रहे हैं लोग उन्हीं के नेतृत्व में, तो उन राज्यों में चाहे वो गोवा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो इसलिए इसकी बात नहीं की जा सकती। अब जो राजनीति का दौर है वो मुझे लगता है ये जो न्यू पॉलिटिक्स नाम दे सकते हैं, नई राजनीति जो है उसमें अब ये है कि आपको विकास करना पड़ेगा, आप कहिए कम और करिए ज्यादा। अभी तक क्या होता था कि आप कहते ज्यादा थे और कर नहीं पाते थे। आज जो अभी डिस्कशन चल रहा था चुनाव के दौरान भी कह रहे थे लोग कि देखिए केंद्र का चुनाव और होता है, राज्य का चुनाव और होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, इसके मुद्दे अलग होते हैं। मुझे लगता है इस समय सारे चुनाव के मुद्दे अब एक हो गए हैं। वो चुनाव के मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो चुनाव का मुद्दा है कुशासन और वर्सेस विकास। तो ये मुद्दा है, चाहे आप राज्य के चुनाव में जाइए, चाहे आप केंद्र के चुनाव में जाइए, और यही मुद्दा जो है आप देखिए, एक मिनट के लिए समझिए, यही मुद्दा जो है आपको हरियाणा के चुनाव में रहा। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी वो प्रॉपर्टी डीलरों की पार्टी बन गई थी, नीचे से ऊपर तक सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर का काम किया है। आप देख लीजिए हुड्डा जी की, जैसे इन लोगों ने
दूसरी पार्टी ने 144 पेज की समझिए चार सीट उन्होंने राज्यपाल को दी है, अगर उसमें सत्यता नहीं है, इतने लाख करोड़ का जो घोटाला दिखाया है तो हुड्डा साहब को अब तक तो मानहानि कर देना चाहिए था। दूसरी चार सीट आने वाली है, आने हाँ, हुड्डा जी उसका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अब हम बार बार एक बीजेपी भी लगा रही है, सुनिए निश्चित तौर नहीं हम चार सीट आ रही है। अभी दूसरी चीज, अगर जल्दी लाना होता तो चुनाव में लाते, चुनाव की राजनीति नहीं। और दूसरी चीज हम निवेदन कर रहे थे, और दूसरी कानून व्यवस्था, हुड्डा साहब कह रहे थे कानून व्यवस्था में मैंने व्यापक सुधार कर दिया है, और मुझे लगता है कुछ दिन पहले हुड्डा साहब की खुद पिटाई हुई थी, कार्यकर्ता ने उनको थप्पड़ मारा था। जिस राज्य में मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो और वही और वहां पर केंद्र में जो है सोनिया गांधी के इशारे पर मनमोहन जी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर डाले, और वहां पर वाड्रा जी के इशारे पर हुड्डा साहब कर गए, और वहां पृथ्वीराज चौहान वहां पर जो आदर्श घोटाले का आदर्श स्थापित हुआ, और जो भ्रष्टाचार में किसानों ने जिसके कारण से किसानों ने आत्महत्या की, और जिस तरह से महिलाओं के प्रति असंवेदनशील सरकार दोनों रही है हरियाणा की भी। दरअसल ठीक है, दरअसल सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियां जमीन को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाती हैं। आप यहां पर अगर हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जमीन मामले का जो मामला सामने आया, अब मोदी अडानी का भी मामला सामने आया, उसमें आप लोगों ने क्यों नहीं उस पर मानहानि का मामला जवाब एक मिनट के लिए ले लीजिए। देखिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है मनोहर जी, कोई डिफर नहीं कर रहा है। अगर हमारे किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो कोई उसको बचाव करने के लिए नहीं आया, वो कहा गया, उसको पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसकी जांच हुई। कौन कह रहा है? बहुत बहुत लोग किसी किसी के ऊपर आरोप लगा के चले जाते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जमीन सौदे को उन्होंने आरोप लगा दिया तो जेल होके आए, उस पर बीजेपी ने किस तरीके से डिफेंड किया है सबके सामने है। सवाल मेरा वो नहीं था, हालांकि मुद्दा मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर हमारी जो डिबेट है वो डाइवर्ट हो जाए। हुड्डा साहब, यहां जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच के जो हालात बने हैं या इस वक्त जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो जो इशारा कर रहे हैं, वो खामियाजा कांग्रेस को किसकी वजह से भरना पड़ रहा है? सवाल ये है, अगर मुहर लग जाती है, लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से इनकार किया जा रहा था, अब इस बात की, हालांकि तमाम कांग्रेसी अभी भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जाहिर है जिस पार्टी को कम वोट मिलते हैं या जिसकी कम सीटें दिखती हैं एग्जिट पोल्स में वो इत्तेफाक नहीं रखती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी। सुमित जी, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी और ये लोगों ने दिखाया, इस देश की जनता ने दिखाया कि एंटी कांग्रेस वेव तो देखो मानना पड़ेगा, उसके रीजन्स बहुत सारे रहे हैं, एक उन्हीं है करप्शन भी, और देर आर मेनी रीजन्स, प्राइम मिनिस्टर का प्रेजेंटेबल ना होना या मोनी बाबा होना, मतलब इतने जोक्स और इतने करके। मेरा ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए खुद जिम्मेवार रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लीडर कुछ भी कह सकते हैं और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब शशि थरूर जी का एग्जाम्पल लेटेस्ट ले लीजिए, अब तो वो पावर में नहीं है, मतलब ठीक है उनको एक स्पोक्समैन से हटा गया, अगर ये बीजेपी में होता तो अब तक वो बाहर होते, पार्टी से बाहर होते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये बीजेपी उससे आगे बढ़ के करते हैं। हाँ, देखिए जो हालात हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, जो ये कांग्रेस ने जो हालात करे ये खुद के हालात है, और कांग्रेस ने ये टाइमली एक्शन ना लेना, महाराष्ट्र के अंदर पृथ्वीराज चौहान जी जब से वहां गए हैं वहां के खुद कांग्रेस पार्टी के लोगों का और एनसीपी का उनके ऊपर बार बार एलिगेशन रहा कि यहां डेवलपमेंट रुक गया है, पृथ्वीराज चौहान जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात करता हूं, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, देखिए उन्होंने बार बार वो कहा कि भाई डेवलपमेंट विकास 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 करते रहे। आप देखिए अगर विकास की बात होती तो ये कांग्रेस के जो 26 लोग 25-26 लोग जो छोड़ के गए हैं, जो भी बीजेपी के अंदर मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठे, मैं आपको गिना देता हूं, राव इंदर जी जी, वीरेंद्र सिंह जी और धर्मवीर जी, रमेश कौशल जी, बहुत बड़े लिस्ट बड़े नेता गए, बड़े बड़े नेता गए, तो वो क्यों गए? क्यों एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले रह गए हैं, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा, बहुत छोटे लेवल के नेता रह गए जिनको सिर्फ उनके हल्के में जाना जाता है बस। तो ये कांग्रेस की मजबूरी, जो जो एक जो आला कमान की उनकी मजबूरी थी, आला कमान की मजबूरी क्या हुई, आला कमान ने जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट दिनेश जी ने बोला कि कुछ ऐसे गलत काम, प्रॉपर्टी डीलिंग या कुछ इस तरह के वो मुद्दे उनसे हो गए हैं या उनसे कुछ ऐसे फाइलें क्लियर हो गई, इसकी एक तरीके से ये मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है हुड्डा साहब, ठीक है, जो यहां पर कांग्रेस के अंदर की मैं अगर परिस्थितियों की बात करें, जिसने एक लाइन से आगे बढ़ने की कोशिश की है उसने खामियाजा भुगता है, ताजा उदाहरण शशि थरूर का, इस वजह से कहीं ना कहीं जो खामियां हैं वो सामने नहीं आ पाई और अब नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। अब अपनी बात भी कह सकते हैं जो आपको बिल्कुल सुमित जी, मनोज जी, मनोज जी, देखिए मेरा ये कहना है इस तरीके का जो विश्लेषण है ये हर जगह हो रहा है कि तुम जीत गए अरे यार तुम तो बड़े अच्छे थे, हार गए तुम तो बड़े खराब हो। ठीक है, सवाल ये है कई बार अच्छे काम करके भी सरकारें हारी हैं, बिल्कुल
2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तमाम क्राइटेरिया पे वो बैड परफॉर्मिंग सरकार नहीं थी, सारे इंडिकेटर बेहतर थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय पॉलिटिक्स का जो एक पॉपुलिस्ट जो कल्ट है पॉपुलिज्म, वह पॉपुलिज्म एनडीए नहीं दे पाई, उस तरीके की घोषणाएं नहीं कर पाई राहत देने का और वो बांटने का। शांता कुमार की सरकार हिमाचल प्रदेश में बड़े अच्छे फैसले लिए, काम नहीं तो दाम नहीं और इस तरीके के, लेकिन वो सरकार हार गई। तो ये तो खिलाड़ियों का जमाना है। आप ये जरूर है कि आज देश में एक पब्लिक ओपिनियन बना है कि भ्रष्टाचार को लेकर के लोग जगे हैं, वंशवाद को लेकर के लोग जगे हैं। हम जैसे लोग 4 दशक पहले से वंशवाद के खिलाफ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार को देश का सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में ये सेंट्रलाइज सब्जेक्ट नहीं बन पाया था। तो धन्य हो मीडिया का, सीएजी का और जुडिशियल एक्टिविज्म का कि ये चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं। मोदी तक मोदी का सवाल है, मोदी ग्रेट एडवर्टाइजमेंट कहे जा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग अच्छी करते हैं, सिर्फ ये इतना है सिर्फ मुद्दा। मैं ही मानूं आपकी बात से मनोज जी, जहां तक मोदी जी का सवाल है, तो देखिए हालांकि मोदी का मैं भी कटु आलोचक रहा हूं, चूंकि उनकी एक जो डिक्टेटोरियल शैली है वो मुझे कभी गले के नीचे नहीं उतरी, उनका अति महत्वाकांक्षावाद भी, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो ये है कि वो 40 साल वो व्यक्ति आम व्यक्ति में अपना जीवन बिताया है, तो उनके जो परसेप्शन है वो काफी स्ट्रांग है। दूसरा ये कि वो चूंकि परिवार से भाई भतीजावाद से बिल्कुल मुक्त रहे, तो 13 साल जो गुजरात के चीफ मिनिस्टरशिप जैसे भी उन्होंने हथियाया, लेकिन हथियाने के बाद अपने को पहले वो पोलराइज करके पोलिटिकली मजबूत किया, फिर एज ए गवर्नर जो उनका जो कार्यकाल था वो एक 24 घंटे योगी का कार्यकाल था, उसमें उन्होंने बहुत सारा सीखा और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ये लोग उपज हैं। इनका जो गवर्निंग स्टाइल जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ओरिजिनेट होता है। तब उन्होंने ये लगा कि नहीं, पॉपुलिज्म से कुछ नहीं होगा, फंडामेंटल्स पे काम करना है, और यही कमी कांग्रेस को ले डूबी है, क्योंकि कांग्रेस ने फंडामेंटल को लेकर कभी काम नहीं किया। वह कांग्रेस पार्टी जो 1960 में भ्रष्टाचार आ गया था वो अन्ना के आंदोलन के बाद जगती है और 6-6 विधेयकों को पास करने के लिए कहती है, पहले उनके कान पर जू नहीं रेंगता था। वंशवाद को लोग ये मानते थे कि पब्लिक जो है इसे इंडोर्स कर रही है वोट के जरिए, लेकिन ये प्रिंसिपल ही गलत था। तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मुझे ये लगता है कि जो चीजें आदर्श के करीब नहीं है, सिद्धांत के करीब नहीं है, नैतिकता के करीब नहीं है, वो चीजें पल रही थी, पुष्पित हो रही थी, और आज पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ बना है और मोदी जी ने उसका नेतृत्व जो है अपने अंदर थाम लिया। साहब मुझे एक बयान याद आता है, समाजवादी पार्टी के जो उस वक्त नेता भी हुआ करते थे और अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक बयान दिया मीडिया के सामने जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को एक मिट्टी का ढेला दे दिया जाए तो उन्हें शायद वो आलू लगेगा। ये बयान उस वक्त काफी सुर्खियों में भी रहा, ये एक वो बयान था जो शायद ये दर्शाने के लिए काफी था कि कांग्रेस या उसके जो आने वाले जो उस वक्त के नेता हैं राहुल गांधी, जो उस वक्त नई नई सियासत सीख रहे थे या उस वक्त आने वाले थे पूरी तरीके से, वो यथार्थवाद से कितने दूर हैं, ये बयान उसे इंडिकेट कर रहा था और उसका खामियाजा अब सामने है। मैं समझता हूं कि ये केवल राहुल गांधी के परिपक्ष में नहीं है ये बयान, और केवल राहुल गांधी के लिए नहीं है, पूरे कांग्रेस पार्टी का ही जो सोच है या फिर कांग्रेस पार्टी का जो दिशा है, राजनीतिक दिशा, वो कहीं ना कहीं पे बस जो वास्तविक चीजें हैं, हकीकत है, वो से कोसों माइल दूर है। आज के डेट में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए और डेमोक्रेटाइजेशन जो होना चाहिए ताकि प्रजातंत्र सही तरह से संगठन के अंदर हो, वो चीज कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। कांग्रेस पार्टी पे निर्णय केवल एक ही ढांचा से होता है, 10 जनपद ही सब कुछ है, 10 जनपद के विरोध में अगर किसी ने कुछ भी बोला तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है कांग्रेस के अंदर। इंटरनल डेमोक्रेसी जो एक संगठन को पनपने के लिए जो एक दिशा देती है और जो एक चारा होता है। डॉक्टर साहब यहां पर रोक रहा हूं मैं आपके, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये परिस्थितियां अब क्या बीजेपी में नहीं बन रही है? बिल्कुल वही परिस्थितियां वो 10 जनपद के बजाय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक पहुंच रही? नहीं, वो मैं उस दिशा से नहीं देखूंगा चीजों को, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर का आप अगर आकलन करेंगे तो वो काफी अलग तरह का है और काफी जटिल है। उस पे किसी एक व्यक्ति का दबदबा नहीं हो सकता है और ना ही किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिनेश जी से जवाब लेंगे, दत्ता साहब आपको भी मौका दूंगा यहाँ बोलने का। एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है और उसके बाद समझेंगे कि कांग्रेस और मोदी की जिस तरीके से अब आगे की राजनीति चल रही है बीजेपी के अंदर, वो अलग कैसे। एक ब्रेक, तुरंत लौट रहे।
तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड विधानसभा चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में एक बार फिर से काम करेगा और क्या कांग्रेस इस वक्त मोदी के सामने पस्त नजर आ रही है। चर्चा जारी है, एक रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल्स में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार का अनुमान लगाया जा रहा है। 19 अक्टूबर को अगर चुनाव के नतीजे इसी तरह से आते हैं तो कांग्रेस को अपनी रणनीति पर गंभीरता से विचार करना होगा। आखिर कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन के क्या कारण रहे? कांग्रेस के लिए आगे आने वाला चुनावी सफर भी आसान नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई का अगला मैदान जम्मू कश्मीर और झारखंड होगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस का राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन जारी है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार है। जेएमएम नेता शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में कांग्रेस वैसे भी ज्यादा मजबूत नहीं है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए शशांक चौधरी के साथ प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। कांग्रेस की खराब हालत के 10 कारण। तो सवाल ये है कि क्या अब आगे सीख कांग्रेस की परिस्थितियां सुधरेंगी और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि 19 अक्टूबर को आखिर क्या होगा। यहां पर जो जिक्र हो रहा है इसके दत्ता साहब कि 10 जनपद जो है वो कांग्रेस के लिए सब कुछ हुआ लेकिन बीजेपी की वही परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, इस बात की क्या गारंटी है? विरोधियों की तरफ से कहीं ना कहीं यही सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जो है वो अब सर्वस्व वाली स्थिति में आ चुके हैं बीजेपी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के परिपक्ष में इसलिए ये स्थिति नहीं पैदा होगी क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल हायरार्की देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस के अंदर जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो सीधा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म 10 जनपद के पास ही है, यानी कि ताला भी 10 जनपद के पास, चाबी भी 10 जनपद के पास। तो इसलिए वहां पे जो एक डिक्टेटोरियल एक जो इंटरनल डिक्टेटोरियल टेंडेंसी जो हो सकता है कांग्रेस में वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो केवल भाजपा के संगठन के अंदर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह का वो जो ढांचा है वो तो है ही, पर उसके साथ साथ संघ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्तक्षेप हमेशा रहता है। नरेंद्र मोदी ने जो उसकी यथार्थ के धरातल पर जो कमियां हैं और कहां कहां पे उसे करेक्ट करना है अपने अनुभवों के जरिए और उसको एक मिशन मोड में, देखिए अंतर यही है कि आप जो है पहले एक थ्योरेटिकल तरीके से घोषित करते थे, अब उसको एक मिशन का रूप दिया जा रहा है, उसको प्रचार में भी लाया जा रहा है, उसको चर्चा के डोमेन में लाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की जो उनकी थ्योरी है शायद वो यही थ्योरी है, लेकिन फंडामेंटल्स काम तब होगा कि जब नई कार्मिक नीति आएगी। इस देश का असली गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कोई नई पॉलिसी अगर मोदी साहब बनाएंगे, काम के घंटे, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड जो है परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट, कई सारी चीजें हैं उसको लेकर के क्या क्या वो काम अगले 10 साल करेंगे, तब हम लोग ये मान पाएंगे क्या है इमोशन में। चुनाव में जीत मिल गई तो आप बड़े अच्छे थे, चुनाव में हार मिल गई तो आप बड़े खराब हैं, ये मेजरिंग राइट नहीं हो सकता है, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, गवर्नेंस के फील्ड में हो या इकोनॉमी फील्ड में हो। इकोनॉमी फील्ड की असली जन्मदाता न्यू आर्थिक नीति की कांग्रेस पार्टी है। मनमोहन सिंह का जहां तक सवाल है तो मनमोहन सिंह की शैली चुपचाप रहने वाली थी, शांत थी, चूंकि वो असली सत्ता जो थी वो सोनिया गांधी के पास थी तो उस चीजों को लेकर के तमाम चीजें की गई। लेकिन कांग्रेस की विफलता का कारण है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट इकोनॉमी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर के काम नहीं करना। मनरेगा यदि वो नहीं लाए होते, किसानों की कर्ज माफी नहीं किए होते, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा ये 6 पे कमीशन, इन सब से इकोनॉमी चरमरा गई और आपके जितने अच्छे कार्य थे वो सब जो है न्यूट्रलाइज हो गए या डिटेरियोरेट हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसकी चर्चा भी हमारे साथी ने की, वो सारी घोषणाएं, वो सारे कार्य जो किए गए उस सरकार को बचाने के लिए या फिर से सरकार में आने के लिए किए गए, यही बेसिक अंतर होता है सुमित जी। जिनकी चर्चा आप कर रहे थे कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, मनटोक सिंह अहलुवा साहब बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, पी चिदम्बरम साहब बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, हो सकता है उन्होंने कड़े निर्णय लिए हों कड़े, लेकिन उसका परिणाम क्या आया जनता ये देखना चाहता है। कोई ग्रोथ रेट उसी आया है कोई, और दूसरी चीज आप बहुत ज्यादा विकास कीजिए और जीडीपी की बात कीजिए, और जीडीपी की बात ने कभी नहीं लाया। मनोहर जी,
विकास जो उन्होंने जो काम किया ना पर हो, मैं किसी का समर्थन किसी का विरोध किसी का नहीं कर रहा, लेकिन जो विकास हुआ सही पैमाने पर होना चाहिए, जो विकास जनता का, सुमित जी, जो जनता का विकास होना चाहिए था वो जनता का विकास उस रेशियो में कम हुआ जिस रेशियो में नेताओं का विकास हुआ, उनके दिक्कत यहां पैदा हो गई। आज कुछ स्थितियां आप कह रहे हैं सारी योजनाएं वही हैं, पहले भी महात्मा गांधी के नाम पर योजना चलती थी, आज महात्मा गांधी के नाम का सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि उनकी बात पर, उनकी विचारधारा पर एक कदम चलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी पटेल साहब थे, पटेल साहब के नाम का लोगों ने प्रयोग किया सिर्फ नाम का, लेकिन आज उनके हुए बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही, राष्ट्रीय एकीकरण की बात की जा रही, आज देश हित की चिंता की बात की जा रही, पहली बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अगर यही नीतियां होती, पहली बार इराक से लोगों को सुरक्षित वतन वापसी की व्यवस्था की जा रही, सार्क कंट्रीज से लोगों को संबंध कर, जहां 13 साल में प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए थे बगल देश में, वहां आप सरकार बनते ही 6 महीने से, ये मोदी जी को जो प्रामाणिकता है वो एक दिन में नहीं है, वो तब कर कुंदन बने हैं। मुझे लगता है जिसकी चर्चा आप आलू और का भी संदर्भ आपने लिया है कि हरी मिर्च अलग होती है लाल मिर्च अलग पैदा होती है, जिसको इतना भान ना हो, मोदी जी उस दुख दर्द को सुमित जी जानते हैं कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, किसान का दर्द क्या होता है, मजदूर का क्या दर्द होता है, वो उसको जिए हैं और भोगे हैं, इसलिए मुझे लगता है कुछ जीवन में बेहतर करने के लिए इसी बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी बात रखें यहाँ पर, लेकिन एक सवाल का जो यहाँ पर जो मनोहर जी ने एक बात बोली थी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार वाली परिस्थितियां हैं जिसमें कहा जाता है कि घोटालों की वजह से सरकार को नुकसान हुआ है, यूपीए को नुकसान हुआ है, मैं उससे इत्तेफाक भी रखता हूं वैसे, लेकिन जयललिता का केस ले लीजिए, ओम प्रकाश चौटाला का ले लीजिए, इन परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो शायद ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखता। देखिए जहां तक बात आ जाती है सुमित जी, अगर जयललिता जी का या चौटाला साहब का, वो एक स्टेट लेवल के मुद्दे हो जाते हैं, और देखिए एक हरियाणा बीइंग ए छोटी स्टेट, वो कम से कम वहां की उसकी कवरेज नेशनल लेवल पर इतनी नहीं आ पाती है, एक या दो दिन के लिए आ पाती है और मुद्दा नहीं बन पाता है डिबेट का। और जयललिता बिकॉज सी कम्स फ्रॉम साउथ, और वो साउथ का एक इतना वो है कि जो रीजनल पार्ट है, लैंग्वेज बैरियर है, वो भी थोड़ा सा कवर हो जाता है। ये मुद्दे जो घोटाले हैं वो सेंटर के आ जाते हैं। अब मैं देखो दिनेश जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। सुमित जी, जो मुद्दा हम कांग्रेस मुक्त की या इसकी बात कर रहे हैं, देश की, हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों पार्टी के अंदर, थोड़ा सा हाँ, एक लाइन, जो रिवील्ड हो जाए क्या वही घोटाला है? 90% घोटाले कंसील्ड होते हैं। देखिए उभर नहीं पाते, आपकी बात से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। मोदी जी अगर करप्शन को लेकर के तमाम कानून नीति एक एक सेक्टोरल तरीके से अगर वो काम करेंगे तो हम लोग तारीफ करेंगे, लेकिन मोदी मात्र आ जाने से देश की 3 करोड़ ब्यूरोक्रेसी सुधर जाएगी। मैं इसमें यकीन नहीं कर रहा मनोज जी, एक नहीं, लेकिन आप अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं तो मैं समय तो दे रहा हूं बिल्कुल, लेकिन उसकी शुरुआत को अपने अंदर से करनी पड़ेगी। आज मनमोहन भी ईमानदार तो कहां रह गए? अरे आप सिस्टम को ठीक करिए ना, आप सिस्टम को ठीक करिए, हमारा समर्थन होगा। के पहले आप अपने आप को ठीक करेंगे, और स्टार्टिंग जो मोदी जी ने की है वो अपने आप से की है, सरकार से शुरू की है, संगठन से शुरू की है। वाजपेयी जी ईमानदार नहीं थे, दिखाया है। अगर आपके घर में झगड़ा होते हुए और सारे घर के लोग चोर लुटेरे हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ईमानदार हैं। दिनेश जी मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक लाइन आगे बढ़ाता हूँ जी। देखिए जहां तक हम बात कर रहे थे कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं और उनके लीडर्स की बात कर रहे हैं, यूपीए वन और यूपीए टी को लीड किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, और इधर कर रहे हैं मोदी साहब को। मोदी साहब को अब इस समय बहुत कम हुआ है, जैसे मैं मनोहर जी से इत्तेफाक रखता हूं कि कंपैरिजन के लिए इस टू अर्ली, अगर जितना भी हम कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा बहुत अगर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए मोदी साहब क्या है, मोदी साहब के पास 15 साल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मुख्यमंत्री जो ग्राम जमीन से जुड़ के आए हैं, उससे पहले संघ के अंदर काम करके आए, उसके बाद पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करके आए, जहां तक उसके रिवर्स में अगर प्रोपोर्शन रेट में अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखते हैं तो वहां पे क्या प्रॉब्लम है कि मनमोहन सिंह करते हैं तो दिख नहीं पाता था। दूसरी बात क्या था, मनमोहन सिंह को इतना फ्री हैंड नहीं मिला जो मोदी साहब को मिल गया। और तीसरी बात, मनमोहन सिंह जी एक ये खुद मानते हैं
और सब लोग मानते, आप भी मानते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे। देश चलाना, इस देश को, इतना बड़ा देश है, इसको पॉलिटिशियन चला सकता है? क्योंकि समय खत्म हो रहा है। नहीं, आपका जो मूल सवाल था, क्या आपने एक सवाल किया था क्या इस तरह से कांग्रेस राज्यों से खत्म हो जाएगा? आपका सवाल निश्चित तौर पर अभी दो राज्यों से खत्म हो रही है, आने वाले चुनाव में उम्र की उम्र लंबी नहीं हो, झारखंड में खंड-खंड हो जाएगा। बिल्कुल कम कर दीजिए, दो तीन चीजें उठाने की आवश्यकता है। मतलब सरकार सबसे पहले बात यह है कि जहां करप्शन खत्म करने की, मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स जब तक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, पर उस दिशा में पहल शुरू हो गई है। आपके लेबर रिफॉर्म्स की जो घोषणा की गई है कल और जिस परिपक्ष में किया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी पे भी उतना ही आवश्यक है रिफॉर्म्स लाने की। और जहां बात आती है कि कांग्रेस मुक्त भारत की, मैं मानता हूं कि भारत के प्रजातंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत आवश्यक है। अगर विपक्ष खत्म हो जाए तो वो तानाशाह में तब्दील हो जाएगा भारत का प्रजातंत्र, और वो हित में नहीं होगा। झारखंड जम्मू कश्मीर का चुनाव को हम लोग महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के नतीजा से नहीं देख सकते, क्योंकि झारखंड में सारे विपक्ष लामबंद हो रहे भारतीय जनता पार्टी। मेरे को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पस्त हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे? वही सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है। चलिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसमें सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मोदी के सामने नहीं ठहर पाएगी, और आगे आने वाले चुनाव में भी क्या कांग्रेस का यही हश्र हो सकता है? इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। तो